चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गयास स्टडी ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अफताब टेल हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें जो सिचुएशन दिया गया है इसको हमें एल्जेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकली। तो पहले हम अल्जेब्रिकली शो कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आफ्ताब टेल इज डाटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब है ना, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू यक्स ईयर्स मान लेते हैं। और जो प्रेजेंट एज किसका है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की डॉटर का है। आफ्ताब टेल इज डॉटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्ताब की डॉटर का, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, वो क्या हो जाएगा, वाई ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसका फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है कि 7 years एगो, यानी यक्स में भी 7 माइनस हो जाएगा और वाई में भी 7 माइनस हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 7 years एगो लिखा गया यानी यक्स माइनस 7 और यहाँ पे वाई माइनस 7। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, ये 7 times बड़ा है उसका पिता आफ्ताब, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 जुड़ जाएगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों इक्वल हो गए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7 हो गया और ये 7 into y यानी 7y minus 7 = 49 हो गया। तो यहाँ से आ गया यक्स माइनस 7y इक्वल टू -49 + 7, तो यहाँ यक्स माइनस 7y इक्वल टू आ जाएगा -42। अब यक्स माइनस 7y इक्वल टू -42, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब इसका टेबल भी फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसे ग्राफिकली शो करना है ना, इसका टेबल ही फॉर्म कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक जगह हम क्या लिख लेंगे, यक्स लिख देंगे और एक जगह हम वाई लिख देंगे। अब यक्स की हम, अगर हम यहाँ यक्स को जीरो रख देते, अगर हम यहाँ यक्स को जीरो पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स हमारा जीरो हो गया यानी -7y इक्वल टू -42 हो गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 42/7 = 7 यानी वाई हमारे क्या आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब हम क्या कर देंगे, अभी तो हमने यक्स को जीरो रखा, अब हम वाई को जीरो दे देते हैं, तो वाई को अगर जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -7 वाले तो हट जाएगा, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -42 आ जाएगा, तो ये -42 हो गया, इतना बहुत है। अब इसके बाद टेबल बन गया हमारा, दो नंबर का हो गया। अब इसका हमारा सेकेंड कंडीशन क्या क्वेश्चन में आया, तो सेकेंड कंडीशन हमारा हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन। अब इसमें और क्या कहा है, यहाँ तक तो हो गया। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद, यानी यक्स में पहले माइनस हुआ क्योंकि एगो की बात किया जाए, तब यहाँ पे बाद की बात है, तो यक्स +3 हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, वाई +3 हो जाएगा। अब इस पर क्या कहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, अभी 3 times बड़ा है यानी इसमें जुड़ेगा 3 times, तभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से दोनों इक्वल हो गया, तो यक्स +3 हो गया, ये इक्वल टू यहाँ से 3y हो गया और 3 + 3 = 9 हो गया, तो यक्स -3y इक्वल टू 9 - 3, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स -3y इक्वल टू 9 - 3 = 6 हो गया। अब इसका हम टेबल फॉर्म कर लेंगे, तो इसका हम टेबल बना लेते हैं, एक जगह यक्स हो गया एक जगह वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यक्स को जीरो रख लेते हैं, हमने यहाँ पे यक्स को जीरो रख लिया। अब यहाँ अगर हमने यक्स को जीरो होगा यानी 3 2 यानी -2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वाई को जीरो रख लेते हैं, अगर वाई हमारा जीरो हो गया यानी यक्स इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया,
तो यहाँ से हमारा दो फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा अल्जेब्रिकली हमारा रिप्रेजेंट हो गया सिचुएशन। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को। अब हमें क्या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या बना, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारा क्या हो गया यक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। हमने यक्स पे क्या लिख लिया 10, 20, 30, 40। यहाँ पर हमने वाई की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे यक्स एक्सिस पे क्या था -42 था। अब यहाँ पे 1, 2 लिखेंगे तो -4 ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया 10, 20, 30, 40, 50 लिख दिया, जिससे ये कम स्पेस में आ जाए -42। उसके बाद हमारा जो वाई एक्सिस था इसमें हमारा देखिए -2 था, 6 था, तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 से हो जाता है ये हमारा। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पहला हमारा कंडीशन क्या था, इसमें क्या लिखा गया है यक्स -7y = -2 में यहाँ पर हमारा यक्स क्या है 0 है, तो हमारे यहाँ पर यक्स 0 हो गया। उसके बाद हमारा वाई क्या है 6 है, तो वाई 6 है हमारा, यहाँ पर एक और बना लें हम 6 का। अब यहाँ पे 0 हो गया और वाई हमारा क्या है 6 है, यानी वहाँ पॉइंट कहाँ पड़ेगा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाई 6 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0, 6। इसके बाद -42, 0 है, यक्स पे क्या है पहले जो आएगा वो यक्स पे रहेगा, तो -42, तो यक्स पे -42 है, इस साइड आएगा तो माइनस सारी साइन हो जाएंगे, ये सब माइनस, इस साइड प्लस है और इस साइड भी क्या है माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ -42 तो यहाँ से जाने से दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो -42 इस साइड है, तो यहाँ पे 40 हो गया, 41, 42 यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया -42 और वाई हमारा 0 है, तो यहाँ पे -42 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -42, 0। अब इसको हम क्या करें, इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा यक्स -7y = -42 का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से हम स्केल लगा के इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, तो ये हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे हम, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाली लाइन को यक्स -7y = -42, तभी पता चलेगा इस लाइन का ये ग्राफ है। अब ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन क्या थी, यक्स -3y = 6 वाला। अब इसमें क्या कहा यक्स =0, तो यहाँ पे तो यक्स पे 0 है और वाई क्या है -2 है, यानी यहाँ पे कहीं जाएगा, तो यह वाई हमारा -2 हो गया। उसके बाद क्या लिखा गया है, यक्स हमारा 6 है, तो यक्स हमारा क्या है 6 है, यानी यहाँ पे आएगा कहीं 1, 2, 3, 4, 6 यहाँ पे आएगा, तो यक्स हमारा 6 है और वाई हमारा 0 यानी यहीं पर रहेगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 6, 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा -2, 0। अब इसको भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं, इसको हम स्केल रख के ज्वाइंट कर लेते हैं, अब ये हमारा क्या बन गया, कौन सी लाइन का ग्राफ बन गया, ये यक्स -3y = 6 इक्वेशन का, तो यक्स -3y = 6 और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया, और ये हमारा अलजेब्रिक की रिप्रेजेंट था और ये हमारा ग्राफ के रिप्रेजेंट था। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब ये भी सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, बस इसमें कंडीशन चेंज है। इसमें कहा गया कोच ऑफ द क्रिकेट टीम है, उन्होंने 3 bats and 6 balls को खरीदा ₹3,900 में, और उसके बाद सी बाइज अनदर बॉल अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ₹1,300। इसको हमें सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट हम क्या मान लेते हैं रुपी यक्स मान लेते हैं, और द कॉस्ट ऑफ वन बॉल को क्या मान लेते हैं हम रुपी वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दिया गया है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 bats, यानी 3 bat यानी 3 × x करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 balls यानी 6y हो गया इक्वल टू 3,900 हो गया। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
उसके बाद क्या लिखा कि लेटर, फिर इसको डिस्क्रिप्शन दिया गया यहाँ पे अनदर बैट, यानी बैट का कितना यक्स है, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखा थ्री मोर बॉल्स यानी 3y हो जाएगा इक्वल टू रुपी कितना है 1300 है तो 1300 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया। पहले तो इसका हम ग्राफ बना रहे थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये तो हमारा अलजेब्रिक हो गया, लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या बना टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का टेबल फॉर्म कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा गया 3x plus 6y equal to 3900, तो यहाँ पे हम 3x plus 6y equal to 3900 है। अब इसको टेबल में फॉर्म करने के लिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं y को निकाल लेते हैं, तो y equal to निकाल लेंगे तो 3900 minus 3x upon 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम, अब इसे हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू को देखेंगे क्या आ रहा है। तो x y ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 100 कर देते हैं, अगर यहाँ पे 100 कर देते हैं तो क्या आएगा देखें, तो 3900 है माइनस 3 × 100 करेंगे 300 हो जाएगा अपॉन 6, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3600 और अपॉन 6 है तो 6 6 है यानी 600 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया अगर हम x को क्या रखेंगे 100 रखेंगे तो हमारा y कितना आएगा, हमारा y 600 आएगा। अब तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब एक और बना लेते हैं हम, अगर हम क्या करते हैं यहाँ हमने x को 100 रखा, अगर हम x को 300 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 3900 माइनस 3 × 300 यानी 900 हो जाएगा अपॉन 6। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा अपॉन 6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 500। अगर हम x को क्या रखेंगे, x को अगर हम रखेंगे 300 तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 500 की। तो ये हमारा दो इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, वैसे तक काफ़ी रहेगा। अब हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका भी टेबल फॉर्म तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो यहाँ से हम क्या करते हैं x को एलिमिनेट कर लेते हैं, जब x को एलिमिनेट करेंगे y को तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसका भी हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं, तो टेबल फॉर्म कर लेते हैं इसका, एक जगह लिखते हैं x और एक जगह y। अब इसमें हम क्या रखेंगे, अब इसमें फर्स्ट अगर x की वैल्यू कितना रखें 100 रखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, अगर x को हम क्या रखते हैं 100 तो 1300 हो गया माइनस 100 अपॉन 3 हो गया। इसमें से 100 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा अपॉन 3, तो 3 × 4 = 12 और 400 आ जाएगा। यानी अगर हम x को कितना रखें 100 रखें तो हमारा y कितना आएगा 400 आएगा, तो हमारा 400 हो गया। अगर उसी तरह से हम अगर x को 400 रखते हैं तो हमारा y कितना आएगा 300 आएगा, 400 upon 300। अब ये हमारा टेबल फॉर्म हो गया। अब इसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को बनाना पड़ेगा, तो हम ग्राफ को बना लेते हैं। हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। अब इसमें मैंने x एक्सिस y एक्सिस हमारा हो गया, हमने x एक्सिस पे क्या रखा वैल्यू, यहाँ पे क्या था 100 300 था, 100 400 था, तो ये किसके लिया था 100 200 300, इनमें इस ई वैल्यू को लिया। और y में भी क्या था 400 300, इसलिए हमने y में भी क्या वही लिया। अब इसमें ग्राफ को तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे x में क्या लिखा गया 100, यानी यहाँ पे मेरा 100 हो गया, और y क्या है हमारा 600 है, तो यानी y हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमको इस साइड बनाना चाहिए था, तो ये हमारा y कहाँ गया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 100, 600, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 हो गया, उसके बाद हमारा x क्या है 300 है, यानी हमारा x 300, y हमारा कितना 500 है, यानी हमारा कहाँ पे चला आएगा यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ से 500 और यहाँ से 300, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300, 500। अब इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा देखते हैं, अब इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, हमारा ऐसा लाइन तैयार हो गया। इसमें हम लिख देंगे कौन सी लाइन का है ये, तो ये कौन सी लाइन का है, x 3x + 6y = 3x + 6y =
3900 का है ये। अब ये तो पहला बन गया, दूसरा क्या है, यक्स कितना रखना है, यक्स 100 है, यानी यहाँ पे यक्स 100 है और वाई हमारा कितना है, 400 है, यानी कहीं यहाँ पे आएगा वाई हमारा क्या होगा, 400 है। उसके बाद हमारा यक्स कितना है, 400 है और वाई हमारे कितना है, 300 है, यानी यहाँ पे आएगा। तो इसको भी लाइन को हम ज्वाइंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये कौन सी लाइन का है, यक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300, और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया।